हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन किचन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एकदम आसान और बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम जीरा आलू बनाएंगे। जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़े साइज के आलू ले लेंगे, क्योंकि बड़े साइज के आलू में स्टार्च कम होता है। आप कोई भी आलू ले सकते हैं। हमने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं और उनको काटकर अच्छे से धो लिया है। हमने इनको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो दिया था और 15-20 मिनट के बाद सारा पानी निकाल दिया। पानी में भिगो देने से आलू ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए जीरा आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने से जीरा आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसको हमने फुल फ्लेम पे धुआं निकलने तक गर्म करना है। देखिए, इससे धुआं निकल रहा है। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको चारों ओर फैलाकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों और 10 से 12 कड़ी पत्ते डालेंगे। जब सरसों चटकने लगे तो इसमें आलू डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर एक अच्छी सी लेयर ना बन जाए। इनको बिना ढक्कन लगाए बनाना है जब तक इनका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। देखिए, इनका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब इनको हम ढककर बनाएंगे। अब इनके ऊपर एक लेयर आने लगी है, इस स्टेज पे हम इनमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और फिर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो आलू नीचे से जल जाएंगे और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे। हमारे आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे और हरे धनिए से इसकी गार्निश कर देंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आलू बन गए हैं या नहीं, तो आप इनको खाकर या तोड़कर देख सकते हैं। हमारे जीरा आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। जीरा आलू बहुत ही लाजवाब बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जीरा आलू कैसे लगे। आई होप आपको जीरा आलू की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।